वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। आज मैं बना रही हूँ पास्ता चिकन का। इसमें कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ ऑनियन डाली है, ऑयल लिटिल बिट, और ये चिकन और ड्राई लूक गार्लिक पाउडर एंड मालो चिली एंड मालो सोल। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मैगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मैगी नूडल्स। बस ये है कि इसका सिर्फ मसाला डालना है, और ये हलाल है लेकिन फिर हमारे मेरे तो खुद यहाँ पे चिकन, तो फिर ये डालना है 5 पैकेट। ये डाले 5 पैकेट मेरे लिए, 5 पैकेट इनफ होंगे क्योंकि हम 3 लोग हैं और आराम से खाएंगे, क्योंकि ये बेचारा बुच के जाता है इतना। अब इसके जब मसाले निकल रहे हैं तो 5 है तो मैं सिर्फ 4 डालूंगी क्योंकि नमक तेज़ हो जाएगा। अब मैं डालने लगी हूँ इसके अंदर पास्ता। ये 5 पैकेट आ गए इसके अंदर। अब मैं इसमें डालूंगी पानी। सही है, अब मैं इसमें डालने लगी हूँ 1 गिलास भर के पानी। सही है, और कम जाके तो और डाल दूंगी। अब मैंने पैकेट में से मसाला निकाल लिया था, अब ये मैं इसमें डालने लगी हूँ। अब मैं इसमें 1 प्याली और डाला है, मुझे लगता है इसमें 2 गिलास पानी डालेंगे क्योंकि काफ़ी सारा है ना, तो ये आराम से इसमें डीप हो जाएगा। ठीक है, ये पकेगा 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें टमाटर भी डाल दें, चीज़ें डाल दें, मटर डाल दें, मज़े का हो जाएगा। अब इसमें डाल रहे हैं हम थोड़ा सा सॉस, थोड़ा सा डाल दें, ज़्यादा नहीं, बस काफ़ी है, बस 2 स्पून डाल दिए, काफ़ी है। और अब हम इसे पकने रख देंगे। अब हमने 2 ग्लास इसमें पानी डाल दिया है और इसे हम पकने देंगे हाई फ्लेम पे और 10 मिनट। लेकिन आप इसे वक्फे वक्फे से देखते रहेंगे हम, और इसका अब हम ढकने। मैगी को पकते हुए पूरे 10 मिनट्स हो गए हैं। अब इसमें हम चम्मच चला के देखेंगे, अगर आपको लगे थोड़ा सा सख्त सख्त है तो पानी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें पानी क्योंकि दिख रहा है थोड़ा बहुत, तो अभी इसे हम और दम देंगे, उसके बाद देखेंगे। तो ब्यूटीफुल हो जाएगी हमारी मैगी रेडी, और क्योंकि इसमें सूप सूप तो डाला ही नहीं है, तो मैगी मैगी चिकन चिकन। अब देखिए अल्लाह का शुक्र है पक गई, और बहुत ही ज़बरदस्त है, देखिए कैसी लच्छेदार, और अल्लाह पाक बहुत सा दे। चाहे तो आप चटनी भी डाल के खा सकते हैं, ये हॉट सॉस है, ये भी डाल के साथ खा सकते हैं, और ये भी है चिली सॉस है, हॉट सॉस है, ये बहुत तेज़ है, तो आप डाल के खा सकते हैं। और ज़्यादा मुँह जले तो फल फ्रूट खा सकते हैं। खैर अल्लाह पाक सबको दे, बहुत सा दे, परवरदिगार आलम अपनी नेमतें अपनी रहमतें इनायत फरमाए, परवरदिगार दिन दुनिया दोनों जहान की नेमतें अता फरमाए, आमीन। और बहुत ही सिंपल है और बहुत जल्दी झटपट बन जाती है, चाहें तो आप इसके अंदर और वेजिटेबल भी डाल सकते हैं, अच्छा लगता है, मज़ेदार लगता है। इस दुआ के साथ के फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह।